जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज अपने इस नई वीडियो में के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मैं जा कहां रहा हूं। तो दोस्तों अपनी आज की लोडिंग फ्लिपकार्ट की लोडिंग हुई है, जहां की मेरे को जाना है झज्जर से 21 किलोमीटर आके कुलाना पड़ता है। कुलाना में फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है, तो वहाँ जाना है। अब मैं चढ़ गया हूँ रोहतक रोड पे। उससे पहले मेरे को लेनी पड़ेगी अपनी गाड़ी में सीएनजी। तो सीएनजी के लिए सबसे बेस्ट पंप है दोस्तों, कभी रोहतक रोड पे आओ, मुंडका से लेफ्ट लेके उद्योग नगर, ये अपना मुंडका का जो उद्योग नगर है मेट्रो स्टेशन, यहाँ से ये देखो ये 32 से मैं लेफ्ट हो गया, और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे चल के थोड़ा सा ये रास्ता ख़राब है, यहाँ से मैं थोड़ा स्पीड से कर देता हूँ वीडियो। तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे चल के दोस्तों बकरवारा गांव आता है। बकरवारा की कॉलोनी में बहुत ही बढ़िया पंप है, अच्छा प्रेशर मिलता है और कभी भी लाइन नहीं लगती। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बकरवारा में कभी भी लाइन नहीं लगती। और मैं आ गया हूँ अब सीएनजी पंप पे, मेरे राइट हैंड पे सीएनजी पंप है। तो यहाँ से अभी सीएनजी डलवाएंगे और फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे, जाना है कुलाना जहाँ की फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है। तो यहाँ अभी नोजल लग गई है सीएनजी, और यहाँ पर डेली प्रतिदिन सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये देखो अभी सीएनजी आ गई है मेरी गाड़ी में 1824 रुपये की, पॉइंट कुछ है पर मैंने पे कर दिया था 1825, तो 52.4 रुपये की सीएनजी है। और यहाँ से मैंने किलोमीटर देखे हैं तो 3805 किलोमीटर है। और मैं जब जहाँ मुंडका से चला था तो वहाँ से पूरा 3800 था राउंड फिगर में। तो इधर मुंडका से और ये पंप 5 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं यहाँ से निकल गया हूँ, यहाँ से उसकी अपनी जर्नी स्टार्ट। तो थोड़ा सा मैं आप वीडियो को फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा दोस्तों। रास्ता है बहुत लंबा, एडिटिंग करके 2.5 घंटे की वीडियो को मैंने 9:46 में एडिटिंग करके तैयार की। अब आपको पता नहीं दोस्तों कैसी लगेगी, जैसी भी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो अभी हम पीवीसी रोड से होके जाएंगे, ये अपना बहादुरगढ़ में एंट्री कर ली हमने, जो अपना नजरगढ़ वाला रोड है, यहाँ से एंट्री करके अब ये मैं अपने घर से खाना वाना खा के निकला हूँ दोस्तों। मेरे को टाइम हो गया है यहाँ पर 11:11 हो गई है। तो अब कुलाने की तरफ निकलता हूँ मैं, अब झज्जर की तरफ, झज्जर बहादुरगढ़ से झज्जर, ये जो ब्रिज गया है दोस्तों ये के एम पी ये था अपना फ्लाईओवर, उसके नीचे से हम गए हैं। तो बहादुरगढ़ से झज्जर पड़ता है 30 किलोमीटर, और झज्जर से कुलाना पड़ता है 21 किलोमीटर, और टोटल जो हमने मीटर मैंने देखा लास्ट में तो 73 किलोमीटर अपनी गाड़ी चली है टोटल। वहाँ से 3800 पे हम चले थे मुंडका से गाड़ी लोड करके, और जहाँ मैं कुलाना पहुँचा, मैं आपको लास्ट में मीटर भी दिखाऊंगा, तो 3873, मतलब कि 73 किलोमीटर चली है ये। अब हम झज्जर से बाईपास की तरफ, रिवाड़ी की तरफ मैंने गाड़ी को मोड़ लिया है। तो ये रिवाड़ी वाला रोड है दोस्तों, ये सीधा इधर सीधा बिल्कुल रिवाड़ी जाता है, और पीछे की बात करूँ तो सीधा रोड चल जाता है। थोड़ा सा ये यहाँ रोड खराब है, तो 73 किलोमीटर गाड़ी चली है, और रास्ते में थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, लेकिन तकरीबन रास्ता ठीक है। तो किसी भाई का कोई कमेंट हो, किसी को कोई सुझाव देना हो दोस्तों, सुझाव
बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं वीडियो में क्या कुछ बदलाव करूं, क्या कुछ तब्दीली लाऊं। तो दोस्तों कमेंट्स ज़रूर करना, आगे से कमेंट्स ज़रूर करना दोस्तों। इस कमेंट से मैं अपनी वीडियो में सुधार करूंगा, और जैसी आपको वीडियो चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं कुलाना, जहाँ की फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है, और बहुत ही बड़ा वेयर हाउस है फ्लिपकार्ट का। कम से कम भी ये शायद हम आ गए हैं, हाँ ये देखो अब फ्लिपकार्ट के हम आ गए हैं, हमने एंट्री कर ली, हमने लेफ्ट ले लिया है। ये दोस्तों यू टर्न करके लाना पड़ता है हमें, वापस रोहतक की तरफ यू टर्न करेंगे तो आएगा ये, तो यू टर्न कर लिया है दोस्तों मैंने। जैसा कि नीचे चैनल का आया हुआ है नाम, और दोस्तों वीडियो कैसी लगी मेरे को एक बार ही आप बताना, क्योंकि मेरी इस चैनल पर तीसरी वीडियो है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और दोस्तों चैनल को करना सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबा दो, तो घंटी भी दबा लेना दोस्तों, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमने कर लिया है फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में एंट्री। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, गाड़ियों की बहुत लंबी कतार है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 500 गाड़ियाँ डेली आती हैं, उसमें 32 फुट भी गाड़ी होती है, 17 फुट भी, 20 फुट भी, और 22 फुट भी। तो दोस्तों अपनी गाड़ी है 22 फुट। तो अभी आगे चल के, आगे थोड़ा सा आगे जाके मैं गाड़ी रोकूँगा। ये मेरे राइट हैंड में यहाँ गार्ड बैठते हैं, तो बिल यहाँ में यहाँ देना होता है। ये यहाँ से ये रास्ता आ गया, तो अभी मैं गाड़ी यहीं रोक लूँगा, और यहाँ से उतर के गार्ड को पूरे पेपर दे के जाऊँगा। यहाँ की एक फैसिलिटी है दोस्तों, गार्ड को पेपर दे दो तो गार्ड ये बोलेगा कि आप पार्किंग में जाके आराम करो। तो अभी गार्ड को पेपर मैंने दे दिए हैं, अभी मैं गाड़ी पार्किंग में लगाऊंगा। जैसे कि मेरा नंबर आएगा तो गार्ड मेरे को उठाने आ जाएगा, और नंबर आने के बाद गाड़ी लगेगी और खाली हो जाती है, यहाँ नंबर से ही खाली होती है। और ये देखो जैसे कि गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, गाड़ियाँ बहुत बढ़िया से खाली होती हैं। यहाँ एक मैंने नया रूल देखा है दोस्तों, इस वेयर हाउस में मतलब कि गाड़ी की चाबी ले लेते हैं, जैसे गाड़ी लगा दी डॉक पे, अनलोडिंग हो रही है, तो ड्राइवर से चाबी ले लेते हैं कि चाबी दे दो। ये मैंने रूल पहली बार देखा है, आप किसी भाई ने देखा हो मेरे को भी कमेंट करके बताना दोस्तों। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों कि कैसे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये 32 मीटर लगी हुई है, बहुत लंबा वेयर हाउस है, मेरे आगे भी है और मेरे बैक साइड में पीछे भी है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखो 3873 किलोमीटर पे हम आ चुके हैं। तो अपनी 73 किलोमीटर पड़ता है कुलाना, जहाँ से मुंडका से 73 किलोमीटर पड़ता है। तो दोस्तों अपनी वीडियो अब स्टॉप होने वाली है, बहुत एडिटिंग करके 2 घंटे खराब कर दी। अब ये नहीं पता कि दोस्तों आप सभी भाइयों को कैसी लगेगी, लेकिन आपका छोटा भाई हूँ, ये मैं अपना टाइम भी दिखा रहा हूँ, 12:49 पे पहुँचा हूँ दोस्तों मैं, 12:49 पे, और मैं चला था 11:11 पे घर से खाना वाना खा के। तो अभी देख लो आप कितना टाइम हुआ है। तो दोस्तों आपका छोटा भाई हूँ, वीडियो को प्यार देना और मेरे को प्यार देना दोस्तों, मेरे को हौसला मिले कि आगे मैं वीडियो और अच्छी से अच्छी बनाऊं, और अपने सुझाव देना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो दोस्तों चैनल को, और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मंडे को मेरी शायद नई वीडियो आएगी दोस्तों, जिसमें कि मैं प्रोग्राम तो